शीना बोरा हत्या मामले में सीबीआई का एक्शन, राकेश मारिया समेत 22 अन्य गवाहों से अब नहीं होगी पूछताछ। शीना बोरा मर्डर केस सीबीआई ने गुरुवार को एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंपी गई सूची में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया और अन्य पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए कहा कि मुकदमे में उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी क्योंकि वे अविश्वसनीय गवाह थे। शीना उम्र 24 वर्ष की 24 अप्रैल 2012 को कथित तौर पर उसकी मां इंद्रानी खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने पीटर मुखर्जी के साथ साजिश रचकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष सीबीआई अदालत को 23 गवाहों की एक सूची सौंपी है। इस हत्या के मामले में सीबीआई शीना बोरा की मां और पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्रानी मुखर्जी और अन्य आरोपियों के खिलाफ पूछताछ नहीं करेगी। सीबीआई ने गुरुवार को एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंपी गई सूची में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया और अन्य पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए कहा कि मुकदमे में उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी क्योंकि वे अविश्वसनीय गवाह थे। शीना उम्र 24 वर्ष की 24 अप्रैल 2012 को कथित तौर पर उसकी मां इंद्रानी खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने पीटर मुखर्जी के साथ साजिश रचकर हत्या कर दी थी। हालांकि हत्या का खुलासा 2015 में हुआ जब राय को मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया। उस समय मारिया शहर के पुलिस आयुक्त थे और उन्होंने जांच की निगरानी की थी। बाद में मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। इंद्रानी ने इस साल की शुरुआत में अदालत से मांग की थी कि वह सीबीआई को उन गवाहों की सूची सौंपने का निर्देश दे जिनसे वह पूछताछ करने वाली है। अप्रैल में एजेंसी ने 92 गवाहों की एक सूची सौंपी थी जिनसे पूछताछ की जाएगी। उस सूची में इंद्रानी और पीटर की बेटी विधि मुखर्जी का नाम नहीं था। गुरुवार को सीबीआई द्वारा सौंपी गई सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं था। इस बारे में कुछ अस्पष्टता प्रतीत होती है कि क्या विधि से उसकी मां के खिलाफ जांच की जाएगी क्योंकि उसका बयान मामले में एजेंसी के आरोप पत्र का एक हिस्सा है।